अच्छा भैया, आज भी अश्वत्थामा आते हैं मंदिर में? जाए है डेली तो कुछ परिवर्तन जरूर देखा है, मतलब कभी किसी ने क्रिया उनकी करी देखा इस तरह के? देखिए प्राचीन मंदिर है, मंदिर के अंदर देखिए शिवलिंग है प्राचीन, और सामने मुख्य द्वार है देखिए, और अश्वत्थामा यहीं से देखिए गंगा जी का जल लेकर जो है शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। मैं पहुंच गया हूं भाई कानपुर, और अब कानपुर से जो है शिवराजपुर जाना है, लगभग 40 किलोमीटर है, और हम आपको लेके चल रहे हैं खेरेश्वर धाम। खेरेश्वर धाम जहाँ कहते हैं आज भी अश्वत्थामा सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को जल अभिषेक करते हैं। ये शिवराजपुर का देखिए चौराहा, एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, छोटा सा एक ये विलेज है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे कोई रिक्शा ढूंढ रहे हैं, और देखिए रिक्शे वाला मिल गया, यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं। बलराजपुर रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आप देख रहे तो बलराजपुर रुकती है, कालिंदी एक्सप्रेस, तो फिलहाल अभी हमें यहाँ रिक्शा मिल गया। और हम पहले सबसे चलते हैं गंगा घाट, गंगा घाट आपको लेके चल रहे हैं, और आपको वहाँ बताएंगे कि गंगा घाट की क्या कहानी है। और कहा जाता है कि देखिए महाभारत काल में अर्णव वन का उल्लेख आता है, यहाँ पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य रहते थे देखिए। और ये देखिए सरैया घाट का यहाँ प्रवेश द्वार है, ये गेट है, और गेट के हम अभी अंदर चलते हैं। बता दो आपको यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, यहीं पर द्रोणाचार्य अपने अजर अमर पुत्र अश्वत्थामा का गुप्त शास्त्र विद्याओं का ज्ञान भी दिया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही अपने शिष्यों को ब्रह्मसेवा शब्द वेशी वाण जैसे अनेक दिव्य स्थल प्रदान किए थे। यह स्थान गंगा तट पर ही है, देखिए यही वो गंगा तट है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पर कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्यों को विद्या देते थे। प्राचीन जो कहानी है कहावत कहते हैं कि अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने के बाद किसी शिवलिंग के सामने हत्यारे की तरह चिल्लाए करते थे, तब खेरेश्वर बाबा ने उन्हें समाधिस्थ होने का आशीष दिया था, और साथ ही कहा था कि तुम सप्तऋषि मंडल में अपना स्थान प्राप्त करोगे। ये है देखिए सरैया घाट, और यहाँ पर ये भी देखिए 2 प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। आज जो है कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पर भीड़ अभी दिखाई नहीं दी, कुछ देखिए लोग हैं जो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, और उसके बगल वाले घाट पर जो है अस्थि जो है जलाई जा रही है। और ये देखिए कानपुर का पुल है। शिवराजपुर में बाबा खेरेश्वर धाम के मैंने बताया नाम से ये प्रसिद्ध धाम है। कहते हैं सावन महीने में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। कहते हैं कि अमर अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर जो है ना नित्य शिव उपासना करते हैं, यहाँ के पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा खेरेश्वर धाम की सेवा करते चले आ रहे। पुजारी के पूर्वजों के अनुसार यहाँ पर शिवलिंग के उपरांत जंगली पुष्प या जल, मतलब कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन जो है सुबह के समय शिवलिंग पर दिखाई जाता है, मतलब दिखाई देता है। शिवलिंग को स्नान कर स्वच्छ करने के पश्चात मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा अर्चना की हुई मिलती है। अभी तो मैं आपको ये जो गंगा घाट पर पुराना मंदिर है देखिए ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के जो है प्राचीन खंडहर बन चुके हैं जो मंदिर। अभी मैं आपको बाबा खेरेश्वर धाम लेके चलता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ ये गंगा घाट का दृश्य दिखा रहा हूँ, और वहाँ पे हम बात भी करेंगे कि क्या सच में आज भी अश्वत्थामा सच में सबसे पहले महादेव की पूजा करते हैं। देखिए इस तरह के प्राचीन मंदिर है, किसी की समाधि है यहाँ पर। चलिए घाट की तरफ चलते हैं, ये गंगा देखिए सरैया घाट का मुख्य गंगा घाट है यहाँ पर। देखेंगे आप तो लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा ज़्यादा गहरा जल नहीं है यहाँ पर। अभी आगे चल के देखते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, हवाएं यहाँ पर बहुत तेज़ है। यहाँ आने के लिए हमें जो थोड़ा मुश्किल हुई सवारी की, बड़ी दिक्कत हुई, हमें रिक्शा बुक करके आना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया ये गाँव में ये खेरेश्वर धाम जो है यहाँ पर ये मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। देखिए किसी के पास भी आज मतलब कोई मतलब प्रमाण नहीं देता कि अश्वत्थामा किसी ने देखा हो, लेकिन सब कहते हैं कि जरूर शिवलिंग के ऊपर कोई ना कोई परिवर्तन मिलता है। अंतिम बार देखिए अश्वत्थामा के दर्शन पृथ्वीराज कहते हैं चौहान ने कहते हैं शिवलिंग का पता आपसे 500 साल पहले लग गया था। देखिए मैं आ गया हूँ भाई उसी गाँव में, देखिए जहाँ खेरेश्वर धाम मंदिर है, और ये रोड जा रहा है जो सरैया घाट की तरफ जाता है। तो मंदिर के आसपास जो है सरोवर बनाया जा रहा है, चलते देखिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं हम। कहते हैं कि देखिए इस शिवलिंग की जो खोज थी कहते हैं गाय द्वारा की गई थी, एक गाय थी जो एक झाड़ी में जाती थी और चारों थनों से जो है दूध वहाँ पर गिरा देती थी, और जब कई दिनों तक पीछा किया गया, मतलब गाय का जब पीछा किया गया था उस झाड़ी में उस जगह पर ही दूध गिराती थी, और जब ग्वाले ने भूमि को खोदा तो यहीं पर जो है ये खेरेश्वर धाम शिवलिंग को पाए। देखिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं खेरेश्वर धाम मंदिर के ठीक बाहर, यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, हम भी प्रसाद ले लेते हैं। मंदिर में आज भी अश्वत्थामा आते हैं? हाँ।
तो मतलब देखा है कभी किसी ने? देखा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलता है। हाँ। जल चढ़ा हुआ चावल, गंगा जल या पुष्प, कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ मिलता है। अरे कब से हो रहा है ऐसा? बहुत हजारों साल हो गया। घाट है अभी, गंगा घाट का है, 2 किलोमीटर आगे है। मैंने अंकल जी से भी पूछा तो देखिए उन्होंने भी यही बताया कि आज भी अश्वत्थामा आते हैं। देखिए ये मुख्य द्वार है श्री खेरेश्वर धाम, बाहर आपको फूलमाला बेलपत्र जल मिल जाएगा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और सच में मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और हम भी जब यहाँ पहुँचे तो हमें भी मतलब कुछ ऐसा लगा कि यार सचमुच कुछ यहाँ ऐसा मतलब है, एक शांत वातावरण और आपस में मतलब था कुछ यहाँ पे, हमें भी ऐसा पॉजिटिव सा लगा। चलिए अंदर चलते हैं, खेरेश्वर धाम आपको दर्शन कराते हैं। कहाँ पे आज अश्वत्थामा? आज तक अश्वत्थामा को आपको पता है भगवान कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तुम इस पृथ्वी के अंत तक जो है तुम दर बदर जो है इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तो कहते हैं यहाँ आज भी अश्वत्थामा सबसे पहले खेरेश्वर धाम की पूजा करते हैं, सबसे पहले जल वही चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखने का दावा नहीं किया। ये देखिए बाहर आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, फिलहाल आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। कहते हैं सावन के समय यहाँ बहुत ही बड़ा मेला जो है आयोजित किया जाता है। देखिए ये ऊपर मंदिर की चोटी है, मंदिर का शिखर है, पीछे से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े में ये मंदिर है। देखिए पीछे पूरा खाली है और इसके आसपास कुछ और भी प्राचीन शिवलिंग हमें जो है देखने को मिले। ये देखिए मुख्य द्वार है खेरेश्वर धाम का, कुछ श्रद्धालु देखेंगे आप तो बाबा के द्वार के ठीक सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं बड़े दूर दूर से श्रद्धालु जो है बाबा के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और कहते हैं यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक देखिए मंदिर के द्वार के बाहर नंदी महाराज जी देखिए बैठे हैं, विराजमान है। चलिए अब आपको अंदर में पहले पुराने देखिए ये प्रवेश करते हैं हम लोग। देखिए आपको मैं साक्षात जो है बाबा खेरेश्वर धाम के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए जय बोलेगी भाई, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और यहाँ पर श्रद्धालु बैठ के देखिए पूजा करते हैं। कहते हैं यही शिवलिंग है और इसी शिवलिंग पर आज भी अश्वत्थामा जो है जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र भोले बाबा जी को चढ़ाते हैं। कहते हैं देखिए खेरेश्वर बाबा की महिमा तो असीम है, यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती देख भक्तगण भाई लाभवंत भी होते। कहते हैं खेरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो 6 इंच का श्याम वर्ण का गोलाकार है, मतलब देखिए जो शिवलिंग है वो गोलाकार में है और लगभग 6 इंच का बताते हैं। और मैंने भी आपको सरोवर दिखाया, वो बांध एक सरोवर जो है अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसे बनाया जा रहा है। ये मंदिर के अंदर का पूरा दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए इसी तरह मंदिर के मंदिर में इसी तरह कई सारे देखिए पुराने शिवलिंग बने हुए। कहते हैं देखिए ये भी बहुत पुराने, कई 100 सालों पुराने ये शिवलिंग है। देखिए मंदिर भी बहुत पुराना है। कहते हैं देखिए ऊपर से देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा पुराना है। इसी तरह ये 3-4 शिवलिंग जो है मंदिर में बना है, लेकिन आज तक किसी ने भी अपनी आँखों से अश्वत्थामा को नहीं देखा। बस पुजारी ऐसा बताते हैं कि जरूर उन्हें जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो सुबह उन्हें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है शिवलिंग पे। ये एक चमत्कार है। देखिए ये दूसरा शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी मंदिर में, एक और इसी तरह एक दूसरा शिवलिंग भी बना हुआ है। देखिए नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं और ये बड़े पुराने मंदिर हैं। और ऊपर भी दिखाऊंगा तो देखिए सेम इसका भी जो ढांचा तैयार किया हुआ है वैसा ही है। और ये भी मंदिर जो है बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना है इसका। देखिए ऊपर का भी मैं अगर आपको ढांचा दिखाऊं तो देखिए ये देखिए किस तरह कितना पुराना हो चुका है ये मंदिर का ढांचा। और आपको अगर आना है तो मैंने आपको बताया कालिंदी एक्सप्रेस जो है ट्रेन चलती है, बाकी शिवराजपुर कानपुर से 40 किलोमीटर आपको ऑटो डायरेक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन जो शिवराजपुर है वो एक गाँव है, एक विलेज, आपको यहाँ थोड़ा बैटरी रिक्शा वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं और अपनी कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर में आकर कोई श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। ये पूरा देखिए मंदिर है बाबा खेरेश्वर धाम का और मंदिर बड़ा है, जैसे मैंने आपको मंदिर का शिखर दिखाया था। देखिए बाकी देखिए मंदिर से जुड़ी और यात्रा से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाई यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको सारी जो जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से, हर वीडियो हर मंदिर की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे।
हमने भी जो है बाबा खिलेश्वर धाम के दर्शन किए, आपकी भी मनोकामनाएं जो है बाबा खिलेश्वर धाम पूरी करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।